हेलो एवरीवन, फाइनली जो है यूजी ईएसी का काउंसलिंग पोर्टल का लिंक जो है वो फाइनली आ चुका है। बीच में जो 15 तारीख से स्टार्ट होना था रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से उसको पोस्टपोन्ड करके फाइनली जो है एक नया डेट जो है वो बीसीसी ने जारी किया है। देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो 18 से लेकर के 24 तक चलेगा। इसी बीच आपको चॉइस जो आप फिल करेंगे उसको लॉक करना होगा। देन फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 30/7 को आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, आप लोग लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें फर्स्ट राउंड का, तो 31 से लेकर के 2/8 तक आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। रिपोर्टेड के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उसी पे मेंशन रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और आपको रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाना है। सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो 9/8/2023 को आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 10/8/2023 से 12/8/2023 तक जाना होगा। जिस भी बच्चे को फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाता है, कॉलेज पसंद नहीं आता है, तो वो अपग्रेड करके किसी दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिल और एडिट करने का मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। जो भी चॉइस फिलिंग आपको करनी है फर्स्ट राउंड में ही करना है। आपको चॉइस फिलिंग ऐसे करनी है ताकि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए और अपग्रेड के लिए कुछ कॉलेज बच जाए, ताकि सेकेंड राउंड में अपग्रेड करके आप अच्छे कॉलेजेस में चले जाएँ। तो वीडियो जो कंप्लीट प्रोसेस होगा यूजी ईएसी का, उसका कुछ देर के बाद आप सबों को पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप लोग चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। फाइनली काउंसलिंग पोर्टल का लिंक जो है वो एक्टिव हो गया है। इस बार जो है बीसीईसी खुद काउंसलिंग नहीं करवा रही है, इस बार नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने इसका जिम्मा लिया है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे काउंसलिंग कराना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, जिस भी बच्चे को काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, तो हमारी एक्सपर्ट की टीम जो है एक काउंसलिंग सपोर्ट जो है वो लॉन्च किया है। जिस भी बच्चे को हमारे एक्सपर्ट के द्वारा काउंसलिंग करवाना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं और पेड काउंसलिंग लेकर के काउंसलिंग करवा सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट की टीम जो है वो आपके सीट अलॉटमेंट तक आपके साथ रहेगी। सारा प्रोसेस हमारी एक्सपर्ट की टीम करेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सीट अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।